राजभवन के निर्णय का इंतजार हो रहा है। राजभवन से जो कम्युनिकेशन आएंगे उस कम्युनिकेशन के हिसाब से आगे की चीजों को तय किया जाएगा। अंदेशा क्या है सर, क्या कम्युनिकेशन आने वाला है? अंदेशा कुछ भी नहीं है, हम ये मानते हैं। भी यही बताए थे आप, हाँ, कुछ नया बताएंगे तब तो हमारी मेहनत सफल होगी। भाई ये तो महामहिम से आप जाकर पूछ लें, महामहिम जितनी जल्दी सूचनाएं दे देंगे उसके हिसाब से पार्टी एक्ट करेगी। वेट एंड वॉच है, समय का इंतजार है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। कयासबाजी के आधार पर जो बयान देते हैं वैसे बयान वीरों की जरूरत नहीं है। कल कितने बजे बैठक है? 11 बजे से फिर हम लोग हाजिर हैं यहीं पर और हम लोग इंतजार करेंगे कि महामहिम का कोई हमें संदेशा मिले। उस संदेशा का लोग की बैठक है या जेएमएम की? यूपीए की बैठक। क्या अटेंडेंस बढ़ाने की प्रक्रिया है? बस बिल्कुल यही मान लीजिए कि अब रांची में हम लोग बैठे हुए हैं तो आपस में मिलजुल रहे हैं, भोजन बात चल रहा है और हम लोग इंतजार कर रहे हैं। फिजिकल अपीयरेंस से पहले उस तरह एक तरह से कहा जाए तो ये फिजिकल अपीयरेंस सुबह शाम फिजिकल अपीयरेंस शब्द नहीं बोलेंगे चूंकि मुख्यालय में रहने का निर्देश है विधायकों को। एक साथ हाँ, ऐसा होता नहीं। प्रदेश के मुख्यालय में रहने का निर्देश है तो उसी निर्देश के आलोक में दिन भर लोग कहाँ भटकेंगे, चलिए तो सुबह शाम हम लोग मिल ले रहे हैं। निर्देश क्या, राजधानी में रहना है? बट नेचुरल है, क्षेत्र दूर है, अगर जरूरत पड़ी तुरंत आने की तो वैसी स्थिति में समय लग सकता है, इसलिए प्रयास है कि मुख्यालय में ही बने। किस रूप में देख रहे हैं आप? नहीं, ये उनका संवैधानिक दायित्व है और वो बिल्कुल अपना समय लेने के लिए स्वतंत्र है। हम कतई इस बात को नहीं मानते हैं कि कहीं कोई मसला है। महामहिम जो भी निर्णय करेंगे नियमानुकूल करेंगे। कल फिर आना है? जी बिल्कुल, कल 11 बजे फिर हम लोग यहीं रहेंगे। आपने सुना किस तरह से सुदीप कुमार सोनू ने साफ तौर पर कहा कि बैठक हुई कल, आप करीब 11:30 बजे रात में पहुंची बैठक? 10:30 बजे। मैं, मेरा कार्यक्रम था मेरे क्षेत्र में तो उसको करके जो है मैं, मुझे जैसे जानकारी मिली मैं वैसे। आज क्या कुछ हुआ बैठक? कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल मिलना जुलना बातचीत। आज नहीं, आप लोग को वही समझ सकते हैं, वही समझ सकते हैं। हाजिरी लग रही है? हाजिरी नहीं है कि बस हम सब साथ हैं। हम सब साथ बनाना क्या कुछ ऐसा लग रहा है आने वाले? कल फिर बुलाया गया है 11 बजे? हाँ कल फिर बुलाया गया है, हम लोग आएंगे। चाय नाश्ता खाना सब यही होगा? अब वो तो पता नहीं, लेकिन कल तो ब्रंच है क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम और हो जाएगा और लंच करेंगे नहीं, तो ब्रंच पे बुलाया गया है, देखते हैं। ठीक है, अभी कुछ गाइडलाइंस आप लोगों को? ऐसा कुछ नहीं, अब कल 11 बजे मिलते हैं फिर बात करते हैं आगे। इतने घंटे तक बैठे कुछ तो बातचीत हुई होगी? नहीं घंटे तक नहीं, हम 8:30 बजे आए और 10 बज रहा 1.5 घंटा मात्र। हाँ तो मान्य जनता सोच रही है, समझ रही है क्या हो रहा, कुछ तो बताइए। तो अब हमसे क्यों पूछ रहे हैं, थोड़ा राजभवन जाके ऐसा पूछना चाहिए आपके? गाड़ी सही दिशा में जाएगी? आप बिल्कुल सही दिशा में जाएगी, आप हमेशा इसके लिए चिंतित रहते हैं सनी जी, लेकिन एकदम आपने देखा जब भी यहाँ बैठी है तो सही दिशा में ही लेकर गई हूँ, इस बार भी जाएगी बिल्कुल। तो ये पूर्णिमा नीरा सिंह जो कांग्रेस की विधायक हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कुछ भी ऐसी बात नहीं है, जो अटकलें लगाई जा रही हैं उन बातों में बहुत ज्यादा सच्चाई नहीं है। ये देखेंगे जो जेएमएम के विधायक सांसद हैं विजय हंसदा साहब, वो यहाँ पर मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। और विजय जी मुस्कुराहट का क्या राज है, क्या बिना सुकून है सब कुछ? बिल्कुल, मैं तो शुरुआत से ही मुस्कुराते हुए आपका जो आप लोग के पास हमेशा रहा हूँ। सुबह शाम आप लोग हाजिरी लगा रहे हैं ना, ये शक पैदा कर रहा है? शक नहीं। अच्छा एक बात बताइए कि हम लोग अपने घर के अंदर अगर मीटिंग कर रहे हैं तो ये शक क्यों पैदा करे? मैं हमेशा हेमंत दा के जब भी रांची रहता हूँ हमेशा आता हूँ, तो वो क्या कोई शक पैदा करता है? अभी जो क्रुशियल टाइम है आप पर शक नहीं है, विधायक पर है, विधायक लोग जो भी आ रहे हैं आपके साथ? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत बात। मुझे लगता है कि वही मैंने कहा अभी पहले भी कहा कि जो ऑफिशियल तरीके से जो बातें आनी चाहिए उसका इंतजार हो रहा है और उसके बाद हम लोग मिल करके जो भी निर्णय होगा आप लोग को बता देंगे। पॉलिटिक्स में कुछ भी ऑफिशियल नहीं होता, अनऑफिशियल पे चर्चा होती है उसको ऑफिशियल बनाया जाता है। नहीं नहीं, जो बातें अभी तक चल रही है कि कुछ बंद लिफाफे में जो चीज है वो तो ये थे जेएमएम के सांसद विजय हंसदा साहब, जिन्होंने बताया कि जो उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा है ये बताता है कि सब कुछ खैरियत से है, सब कुछ ठीक है। अम्बा प्रसाद है, देख पा रहे होंगे अम्बा प्रसाद है। ठीक है,
डिस्टर्ब करने का कोशिश किया जा रहा है। कल फिर बुलाया गया, कल फिर बुलाया गया, नहीं अभी तक तो नहीं बताया गया। बाकी लोग बोल रहे हैं कि कल बुलाया गया 11 बजे, आप छुपा रहे हैं, पीछे बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं बताया गया कुछ। हम लोग इंतजार कर रहे हैं महामहिम के ऑर्डर का, इंतजार कर रहे हैं। खाना में आज क्या कुछ खास था? खाना में कुछ नहीं, मैं नहीं खा रही हूँ अभी, मैं जाके अपने घर। सुने कि सबके सबकी फरमाइश पूछी जा रही है, किसको क्या पसंद है उस हिसाब से बनवाया। नहीं नहीं, ये गलत बात है, कौन बोलता है, आप लोग खुद से अपना बताते हैं बात। ये थी अंबा प्रसाद, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है कि कल फिर से बुलाया गया है। हालांकि ज्यादातर विधायकों ने, इवन की सांसद साहब ने ये कहा है कि कल फिर से उनको आना है। अब देख पाएंगे कि प्रदीप यादव हैं जो कांग्रेस के विधायक हैं, इसके बाद तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री आवास से। अब तमाम जो विधायक हैं वो निकल रहे हैं। कल फिर सुबह 11 बजे बुलाया गया है। सुबह और शाम जो अभी बातें सामने आ रही है कि जब तक राज्यपाल कोई आदेश नहीं सुनाते हैं तब तक जो है विधायकों की उपस्थिति जो है सुबह शाम मुख्यमंत्री आवास में होगी। तो ये कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव हैं जो अब मुख्यमंत्री आवास से निकल रहे हैं। हालांकि ये मीडिया से बातचीत नहीं कर रहे, लेकिन जो बातचीत किए हैं वो चाहे वो मंत्री हो विधायक हो, उनका साफ तौर पर कहना है कि सभी हम एकजुट हैं, आंकड़े हमारे पक्ष में है, राजभवन पर निगाहें उन सबों की भी टिकी हुई है, ताकि अगर किसी तरह का खिलाफ में फैसला आता है तो उसके बाद किस तरह से पार्टी एकजुट होकर के संगठन जो महागठबंधन है वो एकजुट होकर के अपना आगे का रणनीति बनाते हैं। ये क्या इन लोगों को बताया गया है कि आपको सुबह शाम आना है, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, आपको मुख्यमंत्री आवास में ही करना है, इस तरह की गाइडलाइंस है कि सुबह शाम आने का क्या मतलब हुआ ये? बिल्कुल बिल्कुल, आप ये देख सकते हैं कि जिस तरह से ये कयास लगाए जा रहे थे कि कुछ विधायक जो है मौजूद नहीं हो रहे हैं इस बैठक में, यानी जो आंकड़े चाहिए बहुमत के लिए उसमें कोई कमी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इसके मद्देनजर जो है तमाम विधायकों को पहले रांची में रहने के लिए कहा गया था, लेकिन अब जो है उनकी उपस्थिति मुख्यमंत्री आवास में दर्ज कराई जा रही है कि अगर कहीं फ्लोर टेस्ट कराने की बात होती है तो उस वक्त किसी तरह का दिक्कत ना हो, किसी को पहुँचने में दिक्कत ना हो। जिस तरह से बीजेपी पर आरोप लगाते रहे हैं कि किसी भी तरह से वो डिस्टर्ब कर सकते हैं सरकार को, तो ऐसे में एहतियातन ये कदम उठाया गया है। ये फ्लोर टेस्ट से पहले की तमाम जो कवायद है, तैयारी है, उसकी उसकी तरफ से सरकार कहीं ना कहीं अपनी तरफ से रणनीति बनाई है। हाँ बिल्कुल, देखिए सुबह जो विधायक आए थे उसमें से कुछ की संख्या अभी कम है, लेकिन फिर भी दावे ये किए जा रहे हैं कि आंकड़े हमारे पास हैं, हमारे पर्याप्त हैं, और हम जो है कंफर्टेबल तरीके से अगर किसी तरह का संकट सरकार पे आता है तब भी हम आगे जो है कंटिन्यू रखेंगे। ये स्पष्ट है ना, कल फिर यूपीए की बैठक है सुबह 10-11 बजे से? बिल्कुल, जो विधायक निकले हैं उनके हिसाब से जो जानकारी मिल रही है वो कल सुबह 11 बजे आना, और मेरे समझ से सुबह ही नहीं, ये जब तक राजभवन से यह फैसला नहीं हो जाता, यानी कि जो चुनाव आयोग के फैसला है सुना नहीं दिया जाता है, तब तक जो है यहाँ पर सुबह शाम उपस्थिति जो है तमाम विधायकों और मंत्रियों की होती रहेगी। जी जी जी, अभी तो बहुत सारे विधायक नहीं आए, मैक्सिमम विधायक हालांकि आए हैं लेकिन बहुत सारे विधायक नहीं आए, तो ये कि जो संख्या बल फ्लक्चुएट करता है ये कहीं खतरे की बात हो सकती है? नहीं बिल्कुल, अभी ये नहीं कहा जा सकता, हो सकता है कोई काम की वजह से या फिर जो पार्टी के बड़े नेता हैं उनको वो अपना मैसेज दे करके नहीं आए होंगे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आंकड़े जो है उनके पास हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो तमाम लोग जो है एकजुट होकर के वो फ्लो टेस्ट के लिए तैयार हैं। जी, एक बार फिर से मुख्यमंत्री आवास के अंदर का दृश्य आपको दिखाना चाहेंगे, किसी दरवाजे के पीछे सारी रणनीति, सारी प्लानिंग चल रही है, और ये ये तस्वीरें हैं मुख्यमंत्री आवास के अंदर की तस्वीरें हैं, बिल्कुल आपको सन्नाटा नजर आएगा, लेकिन इस सन्नाटे के पीछे की जो कहानी है वो दो चार दिनों में यूं कह सकते हैं आपको जाहिर हो जाएंगी, लेकिन एक के बाद एक तमाम जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनकी गाड़ियां निकल रही हैं, और तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आने के बाद एक बात जो समझ में आ रही है कि ये कल भी फिर से यूपीए की बैठक है, आज भी यूपीए की बैठक हुई, और लगातार इनको मुख्यमंत्री आवास में हाजिरी लगानी है, यहाँ पर मौजूदगी दिखानी है। जाहिर सी बात है जो जो बहुमत का आंकड़ा है उस आंकड़े को हमेशा बना
बना कर रखना है। अगर ये नौबत आती है कि फिजिकल अपीयरेंस की जरूरत पड़ सकती है या फिर फ्लोर टेस्ट की नौबत आती है तो उस दौरान किसी तरह की कोई और मशक्कत करनी ना पड़े, लिहाजा उसकी तमाम तैयारियां अभी से ही की जा रही हैं। और हमारे जो सहयोगी मदन ने बिल्कुल सही कहा कि जब तक राजभवन की तरफ से कोई संदेशा बाहर नहीं आ जाता है तब तक इस तरह की कवायद चलती रहेगी। तो एक बार फिर से आपको दूसरे छोर की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे जहाँ पर आप देख पाएंगे कि तमाम जो मीडिया कर्मी हों और जो प्रतिनिधि हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं, तमाम लोग यहाँ पर बने हुए हैं। और ये कहीं ना कहीं बताने की कोशिश है कि झारखंड की राजनीति बेहद तेजी के साथ बदल रही है और उसी तेजी के साथ बदलने के क्रम में मुख्यमंत्री आवास कहीं ना कहीं उसका एक केंद्र बिंदु बनकर उभरा है। तो कई विधायकों से, जेएमएम के सांसद से बात हुई, तमाम लोगों ने कहा कि सरकार सुरक्षित है, सरकार की सेहत को लेकर कोई खतरा नहीं है, कोई अंदेशा नहीं है। पहले भी वो लोग सीएम आवास आते रहे हैं, आज भी आए हैं और जब भी उनको ज़रूरत पड़ेगी तब तक वो लोग आते रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि सुबह जो बैठक चली है, शाम को एक बार फिर बैठक हुई, लेकिन इस बीच राजभवन से कोई भी संदेशा नहीं आया, लिहाजा कल एक बार फिर से तमाम यूपीए के घटक दल एक बार फिर मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे और यहां पर आत्ममंथन करेंगे। इस बीच अगर राजभवन की तरफ से कोई संदेशा आ जाता है तो उस पर जरूर आत्ममंथन किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, प्लानिंग की जाएगी, योजना पर काम किया जाएगा। लेकिन फिलहाल राजभवन पर तमाम लोगों की निगाहें हैं और उसी के मद्देनज़र यूपीए की भी बैठक सम्पन्न हो गई है। तमाम ने कहा कि सरकार सुरक्षित है। मेरे सहयोगी मदन के साथ कैमरा पर्सन संजय को दीजिए इजाजत। नमस्कार।